एवरीवन, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। और आज मैं मेरे एक लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल फेस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या था कि उस टाइम इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो गूगल माता से मैंने सब कुछ सीखा और यूट्यूब ने भी बहुत साथ दिया। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी फेस के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। उस टाइम क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पौष्टिक चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए, वो पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हम जो भी बेनिफिट्स है उसके पता होने से वो चीज़ अपने फूड में इंक्लूड करते हैं और हमें वो बेनिफिट मिलता है और हमारे बेबी को भी वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो चीज़ें कौन सी हैं जो कि मैंने अपने फूड में ऐड किया और जिससे मुझे बेनिफिट मिला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे खाने में। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा बेबी भी हेल्दी होगा और उसका जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। प्रोटीन, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन लोग प्रोटीन कैसे करके अपने खाने में ला सकते हैं, वो है बहुत ही सिंपल तरीका है। दाल जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करें बहुत अच्छा है, पल्सेस जो जिसे कहते हैं। उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है मदर के लिए, मतलब प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें पनीर, टोफू, मिल्क, छाछ, सब चीज़ें, चीज़, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप खाइए, तो वो आपको तो बेनिफिट पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, इसके साथ आपके बेबी को भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत से ज़्यादा सीड्स आती हैं, नट्स आते हैं, वो भी प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, वो आप कंज्यूम कीजिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, वो फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, रेड मीट खा सकते हैं। लेकिन हाँ, रेड मीट की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि रेड मीट से क्या है कि रेड मीट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी होता है, खतरा होता है उससे। सो रेड मीट की मात्रा आप जितना कम रखें उतना अच्छा है। सबसे ज़्यादा आपको फिश और एग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे कि प्रोटीन की मात्रा आपके अंदर अच्छी जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को फॉलेट भी कहते हैं, और फॉलिक एसिड जो है एक टाइप का बी विटामिन भी है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों में जो बर्थ के टाइम बहुत से डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे तो डॉक्टर खुद भी रिकमेंड कर देते हैं फॉलिक एसिड की गोलियां, लेकिन क्या है, अगर आप उसको अपने खाने में यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, साग है, इन सब में फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है। और साइट्रस फ्रूट जो होता है, जैसे कीवी हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब चीज़ों में भी फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है, तो आप उसको ज़रूर कंज्यूम करें। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, कैल्शियम। कैल्शियम मीन्स बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि मिल्क, योगर्ट, चीज़ हो गया, और बहुत से जूसेस में भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। सो वो चीज़ें आप अगर कंज्यूम करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। और इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी होने से कैल्शियम की क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं बहुत सी लेडीज़ में, क्योंकि हमसे तो बच्चा प्रोटीन कैल्शियम ले रहा है, लेकिन हमारे अंदर डेफिशिएंसी आ जाए, इसलिए कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, बालों के झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है, आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। सो कैल्शियम अच्छी तरीके से लेनी चाहिए हमें प्रेगनेंट लेडी को। उसके बाद है आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता है ये किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को 27 मिलीग्राम पर डे आयरन लेना ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आयरन सी से जो कि हमें मिल सकता है, जो कि मीट, एग और फिश से मिलता है। ओके, सो कैल्शियम, सॉरी आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जो कि ओवरऑल फिजिकलनेस के लिए और इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको गैस, एसिडिटी होने की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होना बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि उस टाइम एसिडिटी होना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो एसिडिटी ना हो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रूट अपने
खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खाना पीना, वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छा रहता है, पेट भी ठंडा करता है वो, और वैसे भी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है नारियल के पानी में। सो वो कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप मेरा वीडियो चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।